AIIT कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस, मैं हूँ संदीप। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर का एक तीसरा हिस्सा। तीन हिस्सों के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, जो मुख्य तीन हिस्से होते हैं जो कार्य करते हैं, वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, उसमें से एक हिस्सा होता है आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इतने तरीके के जो आउटपुट डिवाइसेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ प्रकार हैं। पहला है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर और ईयरफोन भी कह सकते हैं हम लोग। ईयरफोन भी आउटपुट डिवाइस की तरह यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मॉनिटर के बारे में, जानते हैं कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं उसको डिस्प्ले करते हैं, और हम जो वर्क करते हैं एक्चुअली मॉनिटर्स पे सारा कुछ वो दिखता है जो हम काम करते हैं, इसीलिए इस मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले इवेंट भी कहते हैं। मॉनिटर जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, कुछ इसी प्रकार का होता है। वैसे अगर कलर के हिसाब से अगर इसको विभाजित किया जाए, ये दो प्रकार के होते हैं। मोनोक्रोम जो पहले यूज किया जाता था, जिसमें एक कलर यूज किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट कह सकते हैं होता था वो, और आजकल जो यूज किया जा रहा है वो है कलर मॉनिटर। तो दो तरीके के मॉनिटर्स हैं, मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर्स में उनके टेक्नोलॉजी के आधार पर, देखिए ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है मोनोक्रोम और रंगीन के बारे में। रंगीन जो मोनोक्रोम है वो एकल तथा क्रोम अर्थात रंग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले करते हैं। यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित करता है। रंगीन क्या होता है, ये मॉनिटर RGB रेड ग्रीन ब्लू विकिरणों के समायोजन से बना होता है, जो रेड ग्रीन ब्लू जो रेज होते हैं उनके रिजोल्यूशन से इसके बना होता है। तो आपने देखा कि दो तरीके का मॉनिटर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर उनके आज जो कलर मॉनिटर हम लोग यूज कर रहे हैं उनके टेक्नोलॉजी के बेस पर अगर बात करें तो कुछ इस तरह से विभाजित होगा, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। CRT मॉनिटर पहले के दिनों में यूज किया जाता था, जो बिल्कुल पहले इस तरह का टेलीविजन भी आता था। ये इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती थी। क्यों बड़ी होती थी, क्योंकि इसमें कैथोड रेज ट्यूब यूज किया जाता था, इस वजह से इसको इसकी साइज बड़ी होती थी, जैसा आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कैथोड रेज ट्यूब। ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया है CRT मॉनिटर्स के होते हैं। LCD और LED बाद में, फिर इसके बाद फ्लैट मॉनिटर्स आए, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं वो, तो उनको LCD और LED दो टेक्नोलॉजी यूज किया गया। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मतलब लाइट इंटेक्ट कैथोड। एक्चुअली दोनों दिखने में तो सेम होते हैं, थोड़ा बहुत जो डिस्प्ले का अंतर जरूर होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग होता है, दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है। जैसा नाम से आपको प्रदर्शित हो रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और यहाँ पर लाइट इमिटेड डायोड है। तो इस तरीके से हम मॉनिटर को टेक्नोलॉजी के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में डेटा को सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जब वही डेटा अगर हम कंप्यूटर से प्रिंट कर देते हैं, पेपर पे आता है, तो उसी को हम लोग डेटा का हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर में जो उपस्थित सॉफ्ट कॉपी है उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी में देना। तो प्रिंट करता है डेटा जो कंप्यूटर में दिखाई पड़ता है आपको, उसको अगर प्रिंट करना है पेपर पे तो आपको प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। प्रिंटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही अभी प्रिंटर के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन ये बड़े ग्राफिक्स, चार्ट और ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है, ठीक है, या इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को भी प्रिंट किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ये दो तरीके, चित्र में जैसा आप देख सकते हो, इस तरीके का ड्राइंग, बैनर या मैप, इस तरीके का अगर प्रिंट करना हो तो आपको प्लॉटर का उपयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, स्पीकर बहुत ही वेल नोन नाम है,
और निश्चित रूप से गाने को सुनने के लिए आप स्पीकर का प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर में रखा हुआ कोई भी म्यूजिक है या कोई भी साउंड है, अगर आपको उसको सुनना है तो आपको स्पीकर का यूज करना पड़ेगा। चूंकि डेटा कंप्यूटर से स्पीकर के थ्रू बाहर आ रहा है, इसलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस को भी कहेंगे स्पीकर को। और इसके बाद एक माइक्रोफोन आता है, ईयरफोन जिसको हम लोग बोलते हैं, ईयरफोन में भी डेटा हम लोग कान में लगा करके सुनते हैं, गाना सुनते हैं। हालांकि वो इनपुट डिवाइस भी होता है, क्योंकि माइक्रोफोन में रिकॉर्ड वॉयस को हम लोग कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं उसके थ्रू, तो दोनों ही होता है वो माइक्रोफोन। हमने माइक्रोफोन के बारे में डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया, लेकिन जान लीजिए माइक्रोफोन जो होता है, ईयरफोन जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग कान लगाए गाना सुनते हैं, तो वो भी आउटपुट डिवाइस की तरह ही यूज किया जाता है। तो अगर हम ईयरफोन को बोलेंगे कि भाई उसमें अगर रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था है या उसमें बोल भी पाते हैं, तो वो दोनों का काम करता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र या वीडियो को प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित करके श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे सिनेमा हॉल्स में या बड़े बड़े जो सेमिनार हॉल्स होते हैं, जहाँ पे हम सैकड़ों लोगों को एक साथ दिखाते हैं बड़े स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, किसी दीवार पे या किसी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वहाँ पे पिक्चर को बड़े रूप में, जो मॉनिटर में छोटे रूप में दिखाई पड़ता है, उसको बड़े रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है। ये तीन प्रकार का होता है, वीडियो प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। उनके काम के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। तो आज हमने डिस्कस किया जो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, क्या क्या पढ़ा हमने, मॉनिटर पढ़ा, प्रिंटर पढ़ा, प्लॉटर पढ़ा, प्रोजेक्टर पढ़ा, स्पीकर पढ़ा, और एक हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है लेकिन आप जान लीजिए, वो भी होता है ईयरफोन, जिसमें जो है जिसमें हम लोग कान में जिसको लगाते हैं ईयरफोन, उसकी बात कर रहे हैं। चूंकि वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, तो उसको आउटपुट में भी रख सकते हैं और इनपुट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।